मेथड मतलब फंक्शन। जावा में मेथड क्या है? मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, या कह सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, या कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, या तीसरा मेथड इज अ सेट ऑफ कोड ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क और ऑपरेशन। तो तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं मेथड को। अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड यूज टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क या ऑपरेशन, या कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, या सेट ऑफ कोड जो एक साथ ग्रुप किया हुआ है किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो मेथड का फायदा क्या होता है कि इट इज़ यूज टू अचीव रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। रीयूजेबिलिटी, एक बार आपने कोड किया और उसको रीयूज कर सकते हैं। वी राइट अ मेथड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स, वी डू नॉट रिक्वायर टू राइट कोड अगेन एंड अगेन, ठीक है, क्योंकि रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है मेथड। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ईजी मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस करने हैं उसमें तो ईजिली कर सकते हैं। रीडेबिलिटी तो हो गया, मतलब कोड को आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ने में आएगा कहाँ क्या यूज हो रहा है, चेंजेस करने हैं तो कहाँ पे करेंगे, तो रीडेबिलिटी को बेटर कर देता है जस्ट बाय एडिंग और रिमूविंग चंक ऑफ कोड। द मेथड इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन वी कॉल और इनवोक इट, जब हम कॉल करेंगे तभी वो मेथड कॉल होगा, वरना कॉल नहीं होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है जावा में मेन मेथड, ठीक है। जब तक मेन मेथड किसी भी प्रोग्राम में सी, सी प्लस प्लस या जावा हो, मेन मेथड नहीं होगा तो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले कंपाइलर ढूंढता है कि मेन मेथड कहाँ है। मेथड डिक्लेरेशन कैसे डिक्लेयर करना है, तो मेथड को डिक्लेयर करने के लिए आप क्या दे सकते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो ले ही लेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू होती है। आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, सबसे पहले क्या देंगे, रिटर्न टाइप, देन मेथड का नाम और पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट में क्या करते हैं, हम पैरामीटर लिस्ट में नंबर ऑफ पैरामीटर्स देते हैं, जितने भी दे रहे हैं इंटीजर स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप का वो देते हैं। इसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप, मेथड नेम, और इस पूरे को मिला के बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट, और ये सारा एक कुल मिला के हो गया मेथड का हेडर, ठीक है। और ये मेथड सिग्नेचर, नाम और उसका पैरामीटर लिस्ट को मिला देंगे तो बोलेंगे मेथड सिग्नेचर। अब नेमिंग के लिए बहुत सारे नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं, वो आपको पढ़ना होगा कि मेथड का नाम क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जैसे सिंगल वर्ड मेथड का नाम आप बेटर है कि ऐसे दो सिंगल वर्ड, लेकिन जब मल्टी वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना है, स्टार्ट तो आपको स्मॉल लेटर से ही करना है मेथड का नाम, क्लास का नाम कैपिटल लेटर से, लेकिन मेथड का नाम आया तो स्मॉल लेटर से। लेकिन क्योंकि मल्टीपल वर्ड्स है, एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो उसको आप इजी रीडेबिलिटी के लिए क्या करोगे, अगर सारा छोटे छोटे में लिख दोगे तो पढ़ने में एक साथ सोचेगा कि एक ही वर्ड है, पढ़ने में उसको टाइम लगेगा, तो इसलिए पहला वर्ड आपने लिख दिया स्मॉल में, और दूसरा वर्ड जहाँ से शुरू हो उसका पहला लेटर लिख दिया कैपिटल में, तो पता चल गया यहाँ से अलग वर्ड है, फिर जहाँ से नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट है उसका पहला लेटर कैपिटल में, ठीक है। तो इसे रीडेबिलिटी के लिए ऐसा यूज़ करते हैं। और इट इज़ पॉसिबल दैट अ मेथड हैज़ द सेम नेम एज अनदर मेथड नेम इन द सेम क्लास, एक क्लास के अंदर दो मेथड है मान लीजिए, ठीक है, और दोनों का नाम सेम है, तो उसको हम उस प्रोसेस को बोलते हैं उस केस में मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोड हो रहा है, ठीक है। दो तरह के हो सकते हैं मेथड, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। स्टैटिक मेथड सबसे पहले देखिए, स्टैटिक मेथड क्या होता है, जिस मेथड के आगे हमने लगा दिया वर्ड, कीवर्ड लगा दिया स्टैटिक, उसे बोल देंगे स्टैटिक मेथड। जैसे मेन मेथड जो है आपका, वो स्टैटिक मेथड है, लिखते हैं ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो स्टैटिक मेथड है। अ मेथड दैट बिलोंग्स टू अ क्लास रेदर देन अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है, एक क्लास का पार्ट होता है ना कि उसके इंस्टेंस का पार्ट होता है, तो उसे बोलेंगे स्टैटिक मेथड। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ स्टैटिक मेथड बाय यूजिंग कीवर्ड स्टैटिक बिफोर द मेथड नाम, नाम से पहले आप स्टैटिक वर्ड लगा दीजिए तो वो स्टैटिक मेथड हो गया। एडवांटेज क्या है स्टैटिक मेथड का, स्टैटिक मेथड का एडवांटेज है कि वी कैन कॉल इट विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, अगर आपने स्टैटिक मेथड बना दिया तो बिना ऑब्जेक्ट के उसको कॉल कर सकते हैं।
it can access static data members and also change the value of it. ठीक है, static data members को access करके उसकी value को change किया जा सकता है. It is used to create an instance method. इसके through instance method भी create हो सकते हैं. Best example क्या है आपका static method का, वो main method. ये स्टैटिक लगा दिया तो ये स्टैटिक लगा दिया तो ये हमारा जो शो है फंक्शन का नाम ये क्या हो गया, स्टैटिक टाइप का हो गया. ये मेन भी स्टैटिक टाइप का हो गया.